हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक लम्हा, एक घटना, एक दिन, जिंदगी में कई चीजें बदल सकता है, और जब कई चीजें बदलती हैं, तो कई जिंदगियां भी बदलती हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कोई एक चीज को एक करता है और भुगतते हैं कई सारे, अक्सर हमेशा के लिए, और भुगतने वाले को पता भी नहीं होता कि आखिरकार हुआ क्या था। मेरी कहानी दिशा वर्तक बताएगी कि किस तरह मेरी दुनिया बदल गई और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। अरे रानी, चलो दूध पियो अपना। आई, मैं खेल रही हूँ। खेलना बाद में, पहले दूध पियो, बिस्किट खत्म करो। चलो जल्दी खत्म करो। अरे आई, लाओ, मैं कर देती हूँ। काम नहीं करूंगी तो जोड़ों में जंग लग जाएगा मेरे। तू भाजी घ्यूनिया लाओ कर। ठीक है आई, लाती हूँ। दिशा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तो लगाते रहे फोन। दिशा अपना मोबाइल बंद नहीं रखती है कभी। ठीक है। दिशा जा कहाँ रही थी? और निकलते हुए कुछ कहा उसने? नहीं, बस उसने बस इतना बोला था कि वो 7 बजे तक वापस आ जाएगी। और शिल्पा से बात हुई? हाँ, सबसे पहले उसी को कॉल किया था अरविंद। नहीं ताई, दिशा तो आज ऑफिस नहीं आई। उसने तो ऑफ लिया हुआ था ना आज। शिल्पा, आज तुम पूरा दिन ऑफिस में ही थी? हाँ ताई, मैं रोज की तरह शाम को 6:30 बजे ऑफिस से निकल गई थी। तब तक तो दिशा नहीं आई ऑफिस। शिल्पा, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि वो 6:30 बजे के बाद ऑफिस गई होगी किसी काम से? ताई, मैं एक बार लैंडलाइन पर ट्राई करती हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज तो उसने ऑफ लिया हुआ था ना। हाँ ठीक है, तुम सुनो नेहा, तुम शांति रखो और आई को भी बोलो कि टेंशन ना ले। मैं अभी निकलता हूँ घर से, ठीक है? हाँ अरविंद, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई, जाना तो पड़ेगा ना। हर छोटी छोटी बातों पर तुम्हें क्यों बुलाया जाता है? आई, 11:30 बज गए, दिशा 7 बजे घर वापस आने वाली थी। आई, उसका फोन भी ऑफ है, वो कभी फोन ऑफ नहीं रखती है। और आई, ये छोटी बात नहीं है, ये तुम्हें थाम। उनके घर के हर मसलों को अपना सरदर्द मत बनाओ, मत जा। उन्हें मेरी जरूरत है इस वक्त, और मुझे जाना ही होगा। दिशा का फोन लगा? नहीं, उसका फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। और रानी? वो अंदर सो रही है। आई, दिशा ने कुछ तो बोला होगा जाते वक्त। कुछ बोली नहीं वो, लेकिन आज छुट्टी ली थी उसने। आई, 7 तक लौटूंगी। पर किधर को जा रही है तू? कुछ काम है। लेकिन तूने तो आज छुट्टी ली थी ना? आती हूँ। 7 बजे का बोल के गई थी, 7:15-7:30 तक तो आ जाना चाहिए था। और अपना फोन भी बंद नहीं रखती है कभी। आई, पुलिस को बता दे क्या? पच्चीस साल की है, पार्टनरशिप में इंटीरियर डिजाइनिंग का फर्म चलाती है, हो सकता है अपनी किसी काम से रुक गई हो। नहीं सर,
दिशा अगर कहीं भी जाती थी तो हमेशा बता के जाती थी, और अगर ऑफिस के काम से गई होती तो उसकी पार्टनर शिल्पा को तो पता ही होता, पर उसे भी कुछ नहीं मालूम है। सर दिशा टाइम की बड़ी पक्की है, 7 बजे का रिटर्न मतलब 7 बजे आ जाती वरना फोन कर देती है, और दिशा वैसे अपना फोन ऑफ भी नहीं रखती सर। अच्छा दिशा का कोई फोटो है आपके पास? अच्छा ऐसी कोई बात या ऐसी कोई मजबूरी जिसकी वजह से दिशा घर छोड़कर जा सकती है? नहीं सर, दिशा कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। परत लाओ फोन। आई अभी 5 मिनट पहले तो लगाया था। हर 2 मिनट में लगा। आया? पुलिस कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस के लफड़े में तुझे नहीं पड़ना चाहिए था अरविंद, और वो भी उनके लिए। सिद्धिशा वर्तक का फोन रिकॉर्ड आ गया है, इसका लास्ट लोकेशन वक्सोली शो कर रहा है। कल शाम 6:45 पे इसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इस नंबर पे जो तुमने मार्किंग की है, क्या इस नंबर पे दिशा की बात हुई थी 4 बजे? यस सर, कल पूरे दिन में दिशा की सिर्फ इसी नंबर पे बात हुई है। मैंने ट्राई भी किया बट स्विच ऑफ जा रहा है। 444-567-382। इस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ, मैं तब तक दिशा की बहन नेहा से पता करता हूँ कि क्या उसका दिशा से कोई कॉन्टेक्ट हो पाया। नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला मुझे उसके बारे में। 444-567-382, सिर्फ इस एक नंबर से दिशा की बात हुई थी कल शाम को 4 बजे। नेहा जी क्या बता सकती हैं, कोई आइडिया आपको ये नंबर किसका हो सकता है? क्या दिशा इस नंबर वाले या वाली से मिलने वाली थी? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता है, सब कुछ बता के ही नहीं गई है। आंटी इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही साइट पर काम चल रहा है, और अगर उसका वहाँ विजिट प्लान होता तो वो 100% मुझे बता देती। तो फिर वो किससे मिलने गई थी शिल्पा? आंटी मुझे सच में नहीं पता, अगर पता होता तो मैं चुप थोड़ी ना बैठती। दिशा ने इससे पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं। राजू जी, साने फैमिली को शेडी के लिए गाड़ी चाहिए 3 बजे। ठीक है भाई, पहुंचा दूंगा मैं। अब घर जाके ना इसको मैं कबर्ड में लॉक करके रखने वाली हूँ, ठीक है? अगर तू नहीं रखेगी तो मैं रख दूंगा, मुझे लेसन भी तो करना है। अच्छा बदमाश। दिशा का फोन वक्सोली में स्विच ऑफ हुआ 7:45 बजे, और वक्सोली आपके घर नंदवाड़ी से 15 मिनट की दूरी पर। हम उसके पहले के लोकेशन भी मैप कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो घर लौट रही। तो फिर बीच रास्ते से कहाँ चली गई, अभी तक घर क्यों नहीं आई? शायद कहीं और चली गई। वक्सोली में कोई ऐसी जगह है जहाँ दिशा जा सकती? मुझे तो नहीं पता सर। तो 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक दिशा का फोन लोकेशन है वीर कुंभलकर गार्डन, फिर उस गार्डन से वक्सोली की तरफ ये लोकेशन मूव होता है 6:45 में, और 6:45 पर ही उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वीर कुंभलकर गार्डन, क्या दिशा वहां किसी से मिलने गई थी? उसने घर पर किसी से कुछ नहीं बोला था, और लास्ट जो बात हुई थी उसकी आई से ही हुई थी। एक 25 साल की स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनर, खुद का फर्म है पार्टनरशिप, क्या कोई फ्यूचर लव पार्टनर भी, कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं या पता नहीं? पता नहीं सर, दिशा ने कभी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन कल दिशा ने किसी से फोन पे बात की, इस नंबर 444-567-382 पर। हम पता लगा रहे हैं ये नंबर किसका है, पर उससे पहले एक जरूरी बात, क्या कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और आप नहीं बता रहे? सर हम तो आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, मैं बस इतना जानती हूँ कि दिशा हमें बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाती थी। लेकिन कल गई, आपकी आई ने उससे पूछा भी था कि कहाँ जा रही, और दिशा ने जवाब नहीं दिया। तो क्या दिशा को कुछ सवालों के जवाब ना देने की आदत है? अगर है तो क्यों? मुझे नहीं पता सर। क्या कहा पुलिस वालों ने? दिशा के जिस नंबर से लास्ट बात हुई थी ना, उस नंबर के मालिक को ढूंढ रहे हैं वो लोग। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि
दिशा उससे मिलने फिर भी हमें पुलिस को बता देना चाहिए। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, दिशा ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ। काम काज छोड़ के फिर उनकी चाकरी में लगा है तू? आई ये लोग तकलीफ में और मुझे इनके साथ ही रहना है। उससे तेरी आई को तकलीफ हो रही है, उसका कुछ नहीं है तुझे। आई इस बारे में हम शाम में बात करें, अभी बस मुझे यही रहने दो। जिन चीजों का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं उसका जिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये बात हम तीनों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। बाद में पता चले कि ये कहानी कुछ और थी या कहानी किसी और की थी। फिलहाल हमारा पहला चैप्टर है दिशा वर्तक जो गायब है, और ये फैमिली हर दूसरे सवाल का जवाब पता नहीं मैं दे रही, लेकिन ये नेहा और अरविंद इनके चेहरे पर साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पता करते हैं ये अकरम शेख कौन है। ये इस कहानी का नायक है, खलनायक है या फिर सहायक है? ऑफ कोर्स मैडम, मैं जानती हूँ अकरम हमारा ही इलेक्ट्रीशियन है। जहाँ जहाँ हम इंटीरियर्स का काम करते हैं लगभग सारी साइट्स पे अक्रम ही हमारा इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। बहुत अच्छा हाथ है उसका। और दिशा के गायब होने में भी अक्रम का हाथ। मतलब दिशा और अक्रम की लव स्टोरी चल रही है ना? मैडम आप ये क्या बोल रहे हो, दिशा ने तो मुझे इस बारे में एक वर्ड नहीं बताया। शिल्पा ये दिशा की फैमिली में उसके रिलेशनशिप को लेकर कौन खिलाफ था? जब मुझे इस रिश्ते के बारे में नहीं पता है तो फिर कौन घर में खिलाफ है कौन नहीं है कैसे मालूम होगा? जी कहिए। अकरम को बुलाइए। अकरम तो घर पे नहीं है। कब से नहीं? सर वो जमात में गया है, आज सुबह ही गया है। कहाँ हो रही है जमात? वो तो पता नहीं, लेकिन हर छह महीने में वो एक बार जमात में जाता है। पर बता कर नहीं जाता कि कहाँ जा रहा है। आप हमारे अकरम के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, कोई बात है क्या? कल शाम को दिशा वर्तक नाम की एक लड़की गायब हुई है। दिशा? दिशा गायब है? आप लोग कैसे जानते हैं दिशा को? साहब अकरम और दिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और दिशा तो कई दफा हमारे यहाँ आई भी है। तो दिशा कल शाम को यहाँ पर आई थी? नहीं कल तो नहीं आई थी। तो अकरम गया था उससे मिलने? ये हो सकता है, वो दोनों तो लगभग रोज ही मिलते थे। पर साहब दिशा ऐसे गायब कैसे हो गई, कुछ खुल के बताइए ना। जब बात खुलेगी तभी तो खुलकर बताएंगे, अभी के लिए बस इतना ही पता है। इससे ज्यादा कुछ पता चलेगा भी कैसे, जब तक बहुत कुछ जानने वाले या फिर सब कुछ जानने वाले अपने आप कुछ बताएंगे नहीं। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारी दिशा का उस अकरम के साथ जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ था ही नहीं। प्रभा जी आप अब भी सच नहीं बोल रही हैं, अकरम का और दिशा का अफेयर काफी मजबूती के साथ चल रहा था, कम से कम कल शाम तक तो चल ही रहा था। पहले हम भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, चूंकि अकरम हमारा इकलौता बेटा है इसलिए हमने ये कबूल कर लिया कि दिशा को हम हमारी बहू बना लेंगे। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था पर दिशा के घरवालों को था। उसकी आई उसको धमकी दे रही थी। उनका गुस्सा जायज है बेटा, फिर हमारे मजहब भी तो अलग अलग हैं। गुस्सा तो हमें भी आया था जब हमें पता चला कि तू किसी हिंदू लड़की से इश्क कर रहा है और उससे शादी करना चाहता है। हाँ हाँ कर ले तू अकरम के साथ शादी, लेकिन मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा तुझे इस घर से। और इतना तो तू लिख के ले ले कि एक दिन भी खुश नहीं रहेगी तू, एक दिन भी नहीं। आई ये ड्रामा करना जरूरी है क्या? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दिशा जी, डैडी प्लीज
मेरी लाइफ है प्राइवेट। कसला प्राइवेट का? तेरी जिंदगी मेरे अंदर से निकली है और इससे ज्यादा प्राइवेट कुछ भी नहीं। तेरे प्राइवेट प्राइवेट के चक्कर में तो इस घर की इज्जत को पब्लिक कर देगी। मितुला सांगुन ठेवते दिशा, तूने अक्रम के साथ लगन किया ना तो मैं अगले दिन खुदकुशी कर लूंगी। ये सिलसिला तो 2 साल से चल रहा है। वो तो कल शादी करने तैयार है पर दिशा की माँ ने जान देने की धमकी दे रखी है। हमने अक्रम को समझाया और फिर अक्रम ने दिशा को भी समझाया कि वक्त हर चीज का मरहम होता है। वक्त के साथ सख्ती भी कुछ कम हो जाती है। हमें पूरा भरोसा था कि दिशा की आई इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे देगी। सवाल ही नहीं उठता था रजामंदी का, उल्टे दिशा ने खुद कसम खाई थी मेरे सर पे हाथ रख के कि वो उस अक्रम को भुला देगी। या तो दिशा ने झूठी कसम खाई थी या फिर आप झूठ बोल रही हैं कि दिशा ने कसम खाई थी, क्योंकि दिशा अकरम से कल शाम को भी मिली थी। वो हर रोज मिलते थे, तकरीबन हर रोज। मेरी बेटी कल शाम से गायब है। जवान बेटी रात भर घर से गायब रहे, इसका मतलब समझते हैं आप? क्या बीत रही है हम सब पे, इसका चार आने का अंदाजा भी है आपको? काहे को भूले बिसरे मामले को लेकर उसके बाल की खाल निकाल रहे हैं आप? हम भूले बिसरे मामले के बाल की खाल इसलिए उतार रहे हैं ताकि हम आपकी बेटी को ढूंढ सकें, आपकी उस बेटी को जिसे आप अपनी जिद और अहंकार की वजह से शायद 2 साल पहले ही खो चुकी थी। मैंने नहीं खोया है उसे, बल्कि उसने खुद भुलाया है अकरम को। प्रभा जी, हम यहाँ पर बिछड़े हुओं को मिलाते हैं, लेकिन जो पहले से मिले होते हैं उन्हें हम खंगालते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैंने खुद अपनी बेटी को गायब करवाया है? प्रभा जी, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अब जो कहेंगे सबूत कहेंगे। हम सिर्फ अपनी तहकीकात करेंगे, फिर देखते हैं आप जो कह रही हैं सबूत भी वही कहते हैं या सबूत कोई दूसरी कहानी सुनाते हैं। ये फैमिली मैटर लगता है योगेश, इस वक्त तक फैमिली की डिटेल निकलो। सर, दिशा की मिसिंग कंप्लेंट उसकी बड़ी बहन नेहा और जीजा अरविंद ने की थी, दिशा की माँ प्रभा वर्तक ने नहीं। लेकिन सर, प्रभा वर्तक ये अपने घर की प्रभारी लगती है, उसकी दोनों बेटियां अपनी माँ की मर्जी को सराखों पर रखती है, तो शायद उसकी माँ ने कहा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। पर क्या ये कंप्लेंट वाकई दिशा को ढूंढने के लिए करवाई गई है या इसका मकसद कुछ और है? जो भी है, पहले जरा इस अकरम को ट्रैक डाउन करते हैं। इसका वो क्या बोलते हैं, जमात का प्रोग्राम कितने दिन का होता है? उसके पेरेंट्स ने 3 दिन कहा है सर, आज गया है वो। लेकिन सर, उसके पहले भी हम काफी कुछ ट्रैक डाउन कर सकते हैं। तो फिर लग जाओ काम पे। एक 25 साल की प्रोफेशनल लड़की अचानक गायब हो जाती है एकदम से, और किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। हमारे सामने एक इंटरलिजेंट लव स्टोरी है जो 2 साल पहले शुरू हुई, लेकिन अगर उन दोनों को भागना होता तो वो 2 साल पहले भाग गए होते। ये माजरा क्या है? मुसलमान लड़का? अरे नाना, उसके बारे में तो कॉलोनी में कुछ नहीं सुना। तो फिर क्या सुना? वही जो कॉलोनी में सब लोग बोल रहे हैं, दिशा है ना, 3 दिन से गायब। उसकी आई कैसी औरत है प्रभा वर्तक? प्रभा ताई तो अच्छी है हाँ, लेकिन लोहे की मुट्ठी है। क्या है, दोनों बेटियों को उसने पाल पोस के बड़ा किया है ना, और ऊपर से बड़ी बेटी नेहा है ना, उसकी शादी फ्लॉप हो गई। शादी फ्लॉप? ये बड़ी वाली का माजरा क्या है? घर की बात बाहर वालों के सामने करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी पूरा मोहल्ला मिर्च मसाला लगा के फैलाएगा खबर को। अक्रम के बारे में ना तो मैंने बताया ना तो अरविंद ने, वो तो पुलिस को दिशा के नंबर से पता चला कि वो अभी भी अक्रम से बात कर रही है। सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं है कि वो पति पत्नी अलग अलग क्यों रहते हैं। मैंने एक बार नेहा से ना पूछा भी था। तो क्या बोली हो? कुछ नहीं, उसने मेरे सवाल को ही उल्टा घुमा दिया और मैंने भी ज्यादा नाक नहीं घुसेड़ी बीच में। अच्छा, ये रानी जो है उन दोनों की बेटी है ना? हाँ, मतलब सबके सामने तो यही कहते हैं वो, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी ना। जितना भी तू उनके मसलों में साथ देगा उतने ही एक के बाद एक सवाल सामने आते रहेंगे। आई, अब जो है सो है, और बात भी उन्हीं चीजों के बारे में उठ रही है जिनके बारे में उठनी ही है। आई, सवाल भी उठेंगे और उसके जवाब भी देने होंगे। तू खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं गई आई, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती। अब क्यों होती है वो भगवान ही जाने, लेकिन आई हो जाती है।
दिन से ही बताना चाह रहा था कि दिशा और अक्रम का रिलेशन कभी टूटा ही नहीं था। तो अक्रम के साथ कहीं भाग गई? सर भागना होता तो 2 साल पहले ही भागती। तो कुछ और माजरा है? पता नहीं सर। पता नहीं तो हमें अक्रम के बारे में बोला गया था, पर फिर भी हमने पता लगा लिया और अब हमें पता चल रहा है आपकी और नेहा की शादी के बारे में। एक मिनट सर, एक मिनट। आप ये जानना चाहते हैं कि नेहा और रानी नेहा की आई के साथ क्यों रहते हैं और मैं अपनी आई के साथ? बिल्कुल, क्योंकि जगह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। सर लेकिन इसका दिशा के प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक है नेहा से, नेहा का ताल्लुक है दिशा से, बाकी किसका किससे क्या ताल्लुक है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। सर मेरी और नेहा की लव मैरिज हुई थी 7 साल पहले और मेरी आई को नेहा नामंजूर थी। उसको ये बात हजम ही नहीं हुई कि मैंने नेहा को पसंद कर लिया और इसलिए हमने दोनों साइड को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। नेहा की आई राजी हो गई लेकिन मेरी आई अभी तक अड़ी हुई है और इसलिए मेरा एक पैर ससुराल में रहता है और दूसरा मेरी आई के घर। लेकिन इसका दिशा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। तो क्या इसका ताल्लुक दिशा की आई प्रभावर्तक से? क्या दिशा की आई नहीं उसका कत्ल करवा दी? ये कैसा सवाल है सर? क्योंकि अगर दिशा अक्रम से शादी कर लेती तो दिशा की आई को खुदकुशी करनी पड़ती और शायद उन्हें वो करना नहीं, इसलिए उन्होंने दिशा को ही मरवा डाला। प्रभा भाई दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है, जान देती हूँ। हाँ थोड़ी सख्त है लेकिन मारना वारना तो हो ही नहीं सकता सर। और दिशा और उसकी आई के बीच में बहुत महाभारत हुए लेकिन दिशा हमेशा से ही उनकी लाडली रही क्योंकि दोनों एक जैसी है। कायका कुसुम, हमारे घर की बात को इतना काहे को उछाल रही है तू? कोई काम धंधा नहीं है तेरे को? अहो काकू, दरअसल मैं ही उनसे पूछ रहा था, मैं पुलिस का खबरी हूँ ना। तो जाके बोलना अपने साहिब को कि जो कुछ पूछना है मेरे को आके पूछे सीधे सीधे, अजनबियों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं मारेगी दिशा को? हाँ इतनी घटिया सोच है पुलिस वालों की। देखो प्रभाताई, कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ अगर राहु देने का तू गप लड़ाने का बहुत शौक है ना तेरे को तो लड़ा गप, पर इतना याद रखना कि तेरी बेटी बड़ी हो रही है और उसके बारे में मैं ऐसा कुछ न बोलूंगी और ना ही ऐसा चाहूंगी। चल जा, तेरे घर में वैसे भी महाभारत कम नहीं है, उसको संभाल। और हाँ खबरी, अब बोल तेरे को क्या खबर चाहिए? वो कुछ नहीं। तो अब फिर से इस मोहल्ले में दिखने की जरूरत है? नहीं। चलने का। बिल्कुल मेरे सामने ही है। अक्रम? अक्रम ने हमें जो बताया वो कहानी थी या हकीकत, ये बात की बात थी क्योंकि इस केस में हर कोई अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, पर ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 12 फरवरी को दिशा गायब हुई और 16 तक नहीं लौटी थी और हमारे पास एक भी सुराग नहीं था उसे ढूंढने के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर आप लोग मुझे क्यों पकड़ के लाते हो? भी कहां से? जहां तुम भाग कर जाते वहां से। मैं भागता क्यों सर? प्लानिंग में सिर्फ दिशा का भागना है। कैसा प्लान सर? यहां मेरी हालत खराब हो रही दिशा की बात सुन के, कुछ बताओ ना क्या हुआ है। 12 तारीख को 4 बजे दिशा की एक आदमी से बात हुई थी और उसके बाद 5 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक दिशा उस आदमी के साथ एक गार्डन में थी। वो तो मेरे साथ थी, मुझे मिली थी वो, और उसके बाद से वो किसी को भी नहीं मिली। 7:45 उसका फोन स्विच ऑफ हुआ और अभी तक स्विच ऑफ है। और अगली सुबह 13 फरवरी को तेरा फोन ऑफ हो गया और तू करेक्ट टाइमिंग पे जमात के लिए निकल गया। लेकिन मेरा जमात जाना तो 2 महीने पहले से तय था। तेरा और दिशा का अफेयर भी 2 साल से चल रहा था ना, तो प्लानिंग तो जबरदस्त हुई होगी। कोई प्लानिंग मैंने नहीं थी मैडम, दिशा को भी पता था कि मैं 13 तारीख को जमात के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए हम 12 को मिले और हम लोग लगभग रोज मिलते थे, या तो फोन में बात होती थी। कुछ छुपानी है, रोज की तरह उस दिन भी मिले। 16 तारीख की सुबह घर लौटूंगा।
काश मैं भी आई को किसी मेडिटेशन के लिए भेज सकती। रिटर्न में आती आई का माइंड फुल चेंज और कहती, जा दिशा बेटी जा, कर ले अक्रम से शादी। टाइम टाइम की बात है, जैसे मेरे अम्मी अबू मान गए ना, वैसे तेरी आई भी मान जाएगी। और फिर बेटा बेटा बोल के मुझे वो क्या बोलते हैं की पूरी खिलाएगी। हाँ, जैसे तेरी अम्मी मुझे सेवैयां खिलाती है। पर यार ऐसा कभी होगा क्या? होगा ना, मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा विश्वास। तेरे भगवान पे विश्वास रख, सब सही हो जाए। अच्छा अक्रम, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। अभी मुस्ताक किधर है यार, जल्दी आना। अरे 8 बजे मुझे पहुंचने का था यार, पार्टी को टाइम दिया है मैंने। सर मुस्ताक बोले तो मेरे असिस्टेंट, वो बहुत सालों से मेरे साथ इलेक्ट्रिक का काम करता है। वो 7:45 मुझे गार्डन में लेने आने वाला था, 7 बजे आया, फिर मैं उसके साथ ही निकल गया। अरे वाह, तूने अपने इस प्लानिंग में अपने असिस्टेंट को भी शामिल कर लिया। कैसा प्लान मैडम? तेरा असिस्टेंट लेट होता है, तू वहीं रुक जाता है और तेरी गर्लफ्रेंड वहां से निकल जाती है, और तू कह रहा है कि तेरी गर्लफ्रेंड किसी और से हंस हंस के बात कर रही थी। अब तू ये कहेगा कि तेरी गर्लफ्रेंड किसके साथ बात कर रही थी, वो तूने देखा ही नहीं। माँ कसम मैंने नहीं देखा सर, मैं तो मुस्ताक के साथ फोन में बात कर रहा था। तेरी गर्लफ्रेंड गार्डन के बाहर अचानक किसी और से हंस हंस के बात कर रही थी, तुझे अजीब नहीं लगा? तूने जानने की कोशिश नहीं की कौन है ये, क्यों है, शक नहीं हुआ तुझे? मेरे और दिशा के बीच में शक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसकी कोई खास वजह? प्यार कहते हैं उसे, वही वजह। सर दिशा मेरी नजरों से कभी दूर नहीं रहती, हर वक्त एक एहसास होता है कि वो मेरे साथ है। सर वो मेरी लाइफ की अर्थिंग है, ऐसा वाला प्यार है हमारा। ये जो तेरा अर्थिंग वाला प्यार है ना, इसे संभाल के रख, ये सब मुशायरों में अच्छा लगता। सर अगर मैंने कोई गलती की होती ना सर, तो मैं आपकी इस बातों से डरता जरूर। सर मुझे पता है पुलिस का पावर क्या है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ सर, लेकिन दिशा के गायब होने से मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बोलो वो कौन था जिसे दिशा गार्डन के बाहर मिली थी? सर मुझे नहीं पता, मुझे लगा कोई मोहल्ले का पहचान वाला होगा। और सर मुझे थोड़ी पता था कि दिशा उसके बाद घर के लिए निकलेगी लेकिन घर पहुंचेगी नहीं। सर मैं 3 दिन बाद घर आया हूँ, प्लीज पता लगाइए मेरी दिशा कहाँ है। एक हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी, फिर लड़की का गायब होना, और गार्डन के बाहर वाला वो तीसरा आदमी जो गुमनाम है। सर कहिए वही रेगुलर फॉर्मूला तो नहीं था कि ये अक्रम ऑब्वियस सस्पेक्ट होगा तो इसे फंसा दो, और कोई तीसरा आदमी बाजी मार गया और ये दिशा गायब नहीं अपनी मर्जी से निकल गई। दरअसल हम एक धुंध में फंसे थे, न चाल नजर आ रही थी, न पता चल पा रहा था कि कहानी क्या है। माना दिशा वर्तक गायब थी, पर क्या दिशा वर्तक गायब कराई गई थी या दिशा अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमें इन्वाइट कर रही थी। और सबसे अहम सवाल था ये चाल, ये कहानी क्या वाकई में दिशा की थी या दिशा किसी दूसरी कहानी का अध्याय थी। बढ़िया है, ठीक ठाक है, समझ गया। अक्रम अभी तक हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है, एक सेकंड भी उस पर से नजर नहीं हटनी चाहिए, भागने भागने की कोई गुंजाइश ना हो, कड़क नजर रखो। हेलो, दिशा की बहन नेहा बोल रही ना तू? हाँ, आप कौन? ध्यान से सुनो, दिशा का संदेश है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? और दिशा कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं फोन कर रही है मुझे? वो सब कुछ खुद ही बता देगी फोन करके, उसके फोन का इंतजार करो। तो कब, कहाँ है वो ये तो बताओ। मैं वो नहीं जानता, तुम्हें उसके फोन का इंतजार करना होगा। क्या? हेलो हेलो हेलो, नेहा फोन कहाँ से आया था? अरविंद मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं
मैं आई को बता दूं क्या? अरे नहीं नहीं, आई को इन सब चीज से दूरी रखो, नहीं तो बोलेगी क्या जरूरत है वगैरह वगैरह। देख हम एक काम करते हैं, सीधे पुलिस के पास जाते हैं और इन्हें बता देते हैं, नहीं तो सामने से उन्हें पता चला ना तो क्लास ले लेगी हमारी। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिशा क्या गेम खेल रही है हमारे साथ। अरे क्या से ज्यादा क्यों खेल रही है ये बात ना मुझे खाए जा रही है। अपने सतारा के एक पीसीओ से कॉल था, वाक्सोली इलाके से। दिशा का कोई दूसरा नंबर? नहीं सर। कोई दूसरा आदमी? अरे सर सिर्फ एक ही आदमी से प्यार किया उसने, पिछले 2 साल से इंतजार कर रही थी आई के यहाँ कहने का, अभी अचानक से दूसरा आदमी कैसे आ जाएगा? और उसका और अक्रम का सीरियस था, मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरा आ सकता है उनके बीच। लेकिन ये तीसरा गार्डन में तो आया था। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, दिशा गार्डन में अक्रम से मिली थी, लेकिन बाहर आकर वो किसी दूसरे आदमी से भी मिली थी, मिली हंस हंस कर पाती हुई, और उसके 15 मिनट बाद दिशा गायब हो गई। दूसरा? मैम मुझे तो पहले के बारे में नहीं पता था, दिशा और अक्रम। मैम मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, हम पार्टनर्स हैं। दिशा का कोई दूसरा नंबर है? मैम उसने बॉयफ्रेंड छुपाया मुझसे, वो भी हमारे साथ काम करने वाला अक्रम, तो कोई सीक्रेट नंबर क्यों देगी मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने चुपके से अक्रम के साथ शादी कर ली हो और कहीं और जाके गृहस्थी बसा ली हो उसके साथ? लेकिन आई अक्रम तो यही है ना। तो लोग तो शादी करने के बाद भी अलग अलग रहते, और बच्चा करने के बाद भी अलग अलग। आई हमें जो फोन आया था मालूम नहीं किसका था। लेकिन उसने नेहा को ही फोन क्यों किया? बोल नेहा, उसने तुझको फोन क्यों किया? मुझको क्यों नहीं किया? अरविंद को क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता है कि उसने मुझे क्यों फोन किया। मेरी तरफ देख नेहा, और बता कि कहाँ छुपकर बैठी है दिशा। रानी की कसम खा के बोलूं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। अरविंद, मैं अब भी कह रही हूँ कि उनके लफड़े में मत पड़, दूर रहे। आई कैसे दूर रहूं मैं? नेहा मेरी पत्नी है, उसको यहाँ नहीं लेके आ सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसे मिलने भी नहीं जा सकता मैं। और रानी, रानी मेरी बेटी है, तुम्हारी पोती है वो। प्रभा वर्तक, नेहा वर्तक, अरविंद कटकर, दिशा की पार्टनर शिल्पा, दिशा का बॉयफ्रेंड अक्रम, इन सभी के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन इनमें कोई भी नाम या नंबर या पैटर्न ऐसा शो नहीं करा सर जिस पर हल्का सा भी डाउट जाए। और सर 12 फरवरी को पूरे दिन नेहा और उसकी माँ प्रभा घर पर ही थे और शिल्पा ऑफिस में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा की माँ प्रभा ने अपने दामाद अरविंद के साथ मिलकर ये करवा दिया? जी नहीं सर, अरविंद उस दिन दोपहर को ही अपनी ट्रैवल एजेंसी से अपने घर निकल गया था, उसका सेल लोकेशन घर का ही है। हाँ 12 फरवरी की रात को उसे नेहा का फोन आया, वो घर के बाहर मूव हुआ, पुलिस थाने गया, नेहा को वापस उसके घर ड्रॉप किया और बैक टू अपने घर। और सर सिर्फ ये अक्रम ही है जिसका फोन लोकेशन वीर कुंभलकर गार्डन का शो कर रहा है शाम के 7 बजे तक, उसके बाद उसका असिस्टेंट मुश्ताक आया और उसे पिकअप करके ले गया। ये मुश्ताक? उससे बात की है मैंने सर, उसने कहा कि वो गया था, उसका सेल लोकेशन कुंभलकर गार्डन 7 बजे का है। कहीं अक्रम ही तो नहीं जो हमें घुमा रहा? पर क्यों सर, इसकी तो सीधी सी लव स्टोरी है, और जिसमें सबसे बड़ी अड़चन दिशा की माँ प्रभा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये लव स्टोरी इस केस की मेन स्टोरी नहीं, इस केस की मेन स्टोरी कुछ और ही है, कोई सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी जिसमें लव दूर दूर तक नहीं, तो फिर रियल स्टोरी क्या है? मुझे पार्टी तक टाइम पर पहुंचना था, बात करते करते नजर घूमी सर दिशा दिखी सर, सर वो किसी से बात कर रही थी लेकिन सामने कौन था वो देखा नहीं। दिशा फोन पर किसी से बात नहीं कर रही थी, इतना पक्का है, क्योंकि उसके फोन से उस वक्त कोई कॉल नहीं हुआ, और वो गार्डन में सिर्फ तुम्हें मिलने आई थी। अब तेरे अलावा कोई नहीं है इस बात को क्लियर करने के लिए कि वहां कोई दूसरा आदमी था, इसलिए दूसरे आदमी की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। सर अभी आप ये भी कहेंगे कि किडनैपिंग मैंने की है, उसको मैंने ऐसा जगह पे छुपा के रखा है जो से मुझे पता हो, और कुछ दिन बाद हम मिलेंगे। हाँ शक तो है तुम पर, और तुम हमारे शक को दूर कर दो। सर यही सच है, मैं उस दिन एक साइट पे वायरिंग कर रहा था और ठीक उसी दिन अक्रम भाई की बाइक खराब पड़ गई, और उन्हें शाम को एक पार्टी से मिलना था 8 बजे,
और वो शाम 6:30 बजे तक दिशा के साथ थे कुंभलकर गार्डन में। मैं 7 तक पहुंचा, थोड़ा लेट, और फिर मैं अक्रम भाई को लेकर फटाफट पार्टी तक छोड़ाया बस। तू 7 बजे गार्डन पहुंचा, तूने तेरे अक्रम भाई को पिक किया, यहां तक मैं तेरी बात मान लेता हूं। उसके बाद एक्चुअली में क्या हुआ मुश्ताक, वो बोल। उसके बाद हम पार्टी तक गए बस। उस पार्टी का नाम दिशावर्तक तो नहीं है ना? उससे वाक्सोली में मिले, उसका फोन स्विच ऑफ करने के बाद क्या किया, कहां लेकर गए उसे? जबरदस्ती उसकी मर्जी से, वो भी शामिल है इस प्लान में? अल्लाह का समसा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन, और मैं तो दिशा को देखा तलक भी नहीं उस दिन। मैडम आप 4-4 बार पूछ चुकी हैं, थाने बुलाकर भी पूछ चुकी हैं, पर हर बार मेरा जवाब वही है। ठीक है तो 5वीं बार बता दो। मैडम वो लड़का, वो लड़की जिसकी तस्वीर आपने दिखाई थी, वो आते थे इसी गार्डन में, हर दूसरे दिन आते थे मिलने के लिए, लेकिन 12 की शाम को कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़की किसी और से बात करी, ऐसा कुछ मेरी नज़र में नहीं आया। सर मुझे जितना मर्जी मारना है ना सर मार लो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। दिशा जिससे बात कर रही थी ना गार्डन में, सर वो उसका लवर नहीं हो सकता सर, प्यार से हम दोनों के बीच में ही है, और सर बहुत मजबूत है सर, उस पर आप कोई डाउट मत कीजिएगा सर। और सर दूसरी चीज़ ये है कि सर मैं आपका टोटली गलत दिशा ना हूँ, माजरा कुछ और है, और वो क्या है सर मुझे पता नहीं सर, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरी जिंदगी है जिसका इस्तेमाल हो रहा था, वो मुझे जानते थे, पर दुख इस बात का है कि मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, काफी समय तक पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा करे, और करने के बाद अपनी बड़ी बेटी और दामाद को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए भेजे? खुद अगर किया है तो अपने किए पर अटेंशन क्यों लाएगी? सर अगर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्लान बनाया हो या कोई रायता फैलाने का इरादा हो, तो या तो ये बेहद बचकाना प्लान है या फिर काफी शातिर है, जिसकी वजह से हम अभी तक इस फैले हुए रायते में डूबे हैं और हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। सर यहाँ पे हम ऑनर किलिंग का एंगल खंगाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ ये सब कुछ दिशा के अकेले का किया धरा हो। अर्थ ये तभी मुमकिन है जिससे दिशा गार्डन में मिली थी वो भी उसकी इस प्लानिंग में शामिल हो, दोनों मिले, दोनों ने मिलकर दूसरे मजहब वाले आशिक और लोहे की मुट्ठी वाली अपनी माँ प्रभा पर शक डाला और दोनों चुमंतर हो। पर सर दिशा और अक्रम का अफेयर पिछले 2 साल से चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेमी नंबर 2 प्रेमी नंबर 1 हो, और इन सब की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही हो, अक्रम को सिर्फ इस प्लान के लिए पटाया गया होगा। हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि अब ये केस महज मिसिंग केस तो बिल्कुल नहीं लग रहा। सर लाइन 3 पर एक कॉलर है, वो कह रहा है कि आप ही से बात करेगा दिशावर्तक मिसिंग केस के बारे में। सर हेलो इंस्पेक्टर, बोला अपना नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक खबर दूंगा। सुन रहा, खबर सुना। ये जो दिशावर्तक का केस है आप इसे ड्रॉप कर दो, दिशा आपको नहीं मिलने वाली। तुम खबर दे रहे हो, धमकी दे रहे हो? नहीं साहब, कोई धमकी वमकी नहीं है, लेकिन बात यह है कि दिशा गायब भी नहीं हुई है। तो कहाँ? सर वो अब सातारा में नहीं है, यहाँ से दूर चली गई है। अब वो दिशावर्तक नहीं है, कुछ और है, इसलिए आप केस ड्रॉप कर दो। तुम मुझे कुछ और का मतलब समझा दो, मैं केस ड्रॉप कर दूंगा। वो मुंबई में है। दिशा कुछ और मुंबई में है? ओ साहिब वो कुछ और है, वो सातारा में नहीं है, यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है। अब सारी जिंदगी खून पसीना एक करते रहेंगे और उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लड़की आपके हाथ आने वाली नहीं है साहिब, ड्रॉप कर दीजिए इस केस को, आपका टाइम वेस्ट है सर। सातारा मुंबई हाईवे। सर हमारी एक टीम उस ढाबे पर है जहाँ पीसी होता, 2-3 लोगों को खंगाला पर कॉलर भाग गया। केस ड्रॉप करने की बात कर रहा था। योगेश, आरती, हमारा यह केस तगड़ा केस है, दिशावर्तक यूं ही गायब नहीं हुई, किसी ने कोई बहुत ही खतरनाक खेल खेला।
फ्लैट काफी पसंद है, बाकी चीजें डिस्कस करें। दिशा एक प्रैक्टिसिंग इंटीरियर डिजाइनर थी, सक्सेसफुल थी, और वो ये सब कुछ छोड़कर मुंबई चली गई बाहर डांसर बनने, वो भी अपने पीछे बॉयफ्रेंड और फैमिली को बिना भूले। तभी के तभी ये पूरा एंगल रूल आउट किया गया होगा। सर मैं एक टोटली डिफरेंट लाइन से सोच रहा था, हो सकता है ये दिशा वाकई में किडनैप हुई हो, इसलिए नहीं कि वो दिशा है बल्कि इसलिए कि वो एक जवान औरत थी। हो सकता है ये किसी ट्रैफिकिंग गैंग का काम हो। फिर ये केस जब उछलने लगा तब वो लोग आपको और फैमिली को हिंट दे रहे थे कि केस ड्रॉप करो, और ये बार डांस वगैरह का बहाना बना रहे थे। पॉसिबिलिटीज बहुत थी, पर असलियत क्या थी? असलियत तो तभी पता चल सकती थी जब दिशा हमें मिल जाती या उसके मूवमेंट ट्रेस हो पाते। दो मूवमेंट्स थे, एक दिशा के गायब होने से इस केस के प्रेजेंट टाइम तक, और दूसरा दिशा की पूरी जिंदगी की जर्नी उसके मिसिंग होने तक। ये दोनों जर्नीज आपस में जुड़े हुए थे, पर फाइनली दिशा का एक अतीत था जो हमारे इस केस को दिशा देने वाला था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।